दिल्ली पुलिस का ज्वाइनिंग कब है? सर इसका ज्वाइनिंग 1 जुलाई से है। दिल्ली पुलिस का सर ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। फैमिली बैकग्राउंड में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है। फाइनेंशियली स्टेटस जो मेरा है वो मेरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैक्सिमम टाइम मैंने बस में जब मैं ट्रैवलिंग करती थी तो उसमें जीके जीएस ज्यादा उसमें कंप्लीट अच्छा किया। अच्छा हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता दूं कि ये प्रिया हैं और ये एमपी की रहने वाली हैं, और फिलहाल इनका दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया, इनका मेरिट भी बन गया है। तो प्रिया, आपको दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन होने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इनका दिल्ली पुलिस के जो इन्होंने प्रिपरेशन किया था, कहाँ से किया था, कितने पर मेरिट बना। इन्होंने एनसीसी भी किया है, तो इनको एनसीसी का बेनिफिट उसमें कहाँ मिला, कितना मिला, वो सारा कुछ हम लोग बात करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनकी दिल्ली पुलिस प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में। बताइएगा प्रिया आप। सर मैंने प्रिपरेशन 1 से 1.5 साल पहले समथिंग स्टार्ट की थी। फिलहाल मेरा सिलेक्शन हुआ है। सिलेबस वगैरह के बारे में बताना चाहूँ तो जीके जीएस मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह होती 100 नंबर का है। टोटल जी पेपर होता है। सर 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 50 नंबर का जीके जीएस होता है हाँ और 25 नंबर का रीजनिंग होता है और 15 नंबर का मैथमेटिक्स होता है और 10 नंबर का कंप्यूटर होता ज़्यादा वेटेज है। जीके जीएस का ही है। जी सर जीके जीएस का ज्यादा वेटेज है इसमें और सेल्फ ही मैंने पढ़ाई सेल्फ ज्यादा की है हाँ, और बाकी कोचिंग वगैरह का भी थोड़ा बहुत सहारा लिया है लेकिन सेल्फ स्टडी ज्यादा की है। इसका फॉर्म कब निकलता है दिल्ली पुलिस का? फॉर्म सर हर 1-2 साल में इसकी वैकेंसी आती है तो वो एसएससी की वेबसाइट पर अपन को देखने के लिए मिल जाती है। इसमें एनसीसी का फिर आपको बेनिफिट कितना मिला? एनसीसी का सर जैसे अपने पास सर्टिफिकेट के हिसाब से इसमें बेनिफिट मिलता है। बी सर्टिफिकेट होल्डर को यहाँ पे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, सॉरी 3 मार्क्स मिलते हैं और सी सर्टिफिकेट वाले को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपके पास सी सर्टिफिकेट था? सर मेरा क्या है एक्चुअली प्रोवाइड नहीं करवाया था मेरे को यूनिट से, जो मेरा बी था वही मैंने लगाया, 3 मार्क्स मेरे को उसके एक्स्ट्रा। वो अपने पास अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो लोग अपन से ओरिजिनल मांगते हैं। हाँ, बटालियन में फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो फिर आपको वहाँ से ना वेरीफाई होने के जी बाद ही आपका एक्स्ट्रा जो मार्क्स होता है उसमें ऐड होता है। जी सर और जी आपने सर तो एनसीसी का इस वजह प्रिपरेशन से कहाँ से फिर किया था? एनसीसी का प्रिपरेशन सर वैसे मेरा यूनिट भोपाल था, 1 MP नेवल यूनिट भोपाल, वहाँ से मैंने एनसीसी किया है। लेकिन प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने तेजस एनसीसी आर्मी चैनल से किया है, उसी समय में आपके चैनल से जुड़ी थी और यहाँ से मैंने काफी मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ क्योंकि जितना भी कंटेंट था सब यहीं से मेरे को मिला क्योंकि मेरा नेवी था तो उसमें कुछ चीजें डिफरेंट थी। बट फिर मैंने आपको मैसेज वगैरह किए थे कि सर मेरे हाँ, पास कंटेंट नहीं है तो आपने मेरे को PDF वगैरह प्रोवाइड ग्रुप की भी थी, आप तो लोगों इस ने ज्वाइन प्रकार किया था। से जी हाँ, जी सर तो मेरा पूरा हुआ। दिल्ली पुलिस का ज्वाइनिंग कब है? अच्छा, सर इसका ज्वाइनिंग 1 जुलाई से है। जी 1 जुलाई को मतलब आप ट्रेनिंग के लिए चली जाएंगी, जी फिर आपका पासिंग आउट परेड हो जाएगा, तो फिर से एक अच्छा से इंटरव्यू, उसमें आप पूरा प्रोसेस फिर से बता देना, जी तब आप यूनिफॉर्म में होगे तब और अच्छा होगा, जी ताकि लोगों को जी समझ सर में जी आए। और अभी मैंने ना जीके जीएस का इस चैनल पे भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये मेरा दूसरा वाला चैनल पे वीडियो जाएगा आर्मी लवर तेजस वाले पे, क्योंकि काफ़ी लोग ना मेहनत ही नहीं करते हैं और काफ़ी लोग का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं होता, तो उसकी वजह से लोग और थोड़ा सा टूट जाते हैं, उनको कोई मतलब आगे से गाइडलाइन भी नहीं मिलता। तो आपको गाइडलाइन वगैरह कोई देने वाला था क्या? सर गाइडेंस वाला तो एक्चुअली मैं कोई नहीं था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है और ऐसे कोई इतना बड़ा फैमिली भी नहीं था कि कोई दूर दूर तक कोई भाई बहन या दोस्त ऐसा कुछ हो तो बता दे। मैंने ये सब चीज़ें लोगों को देख देख के ही सीखा है कि हाँ भाई उनका ऐसा सिलेक्शन हुआ है तो कैसे अपन कर सकते हैं, सारी चीज़ें खुद से ही करने की कोशिश की है और यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया है। और एक ये था क्योंकि फाइनेंशियली स्टेटस जो मेरा है वो मेरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था हाँ, तो वो तो दिख रहा मेरे है अंदर मतलब कि भी एक हाँ, था। नॉर्मल फैमिली से हैं। जी सर तो मेरे को एक था कि चीजें बदलनी है और सिचुएशंस बदलने हैं और एक जॉब अपन को ले, ऐसा मेरे अंदर भी और था आपका तो ये दिल्ली वो पुलिस का एक सबसे खास मोटिवेशन बात था। एक और ये है कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आपने पहले भी पेपर दिया था? वैसे तो आप अभी छोटे लग रहे हो। सर दिल्ली पुलिस का सर ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और बाकी इससे पहले मैंने 2-4 एग्जाम से पहले मैंने दिए हैं अच्छा, बट उसमें कुछ मार्क्स वगैरह कम थे या इस टाइप से तो उसमें मेरा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूँ तो इसमें मेरा पहला एग्जाम था ये और उसके बाद में फिजिकल भी मेरा पहला ही था, इससे पहले किसी भी एग्जाम के लिए फिजिकल मैंने नहीं दिया था। टाइम टेबल आपने तो बनाया होगा अच्छा सा अपना, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाई होगी। नहीं सर एक्चुअली मैंने कभी टाइम टेबल से नहीं पढ़ा, अगर एक ये बात अच्छा, थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है कि भाई टाइम टेबल नहीं पढ़ा,
टाइम टेबल से नहीं पढ़ा वो। एक्चुअली में सर ऐसा है ना कि यहाँ पे ये हम लोगों का ऐसा होता है कि कब कौन सा काम बीच में आ जाए हमें और कब अच्छा अपना घर टाइम का काम टेबल को मतलब। ये करना है। हाँ वही सर। और क्या है कि मैं फाइनेंशियली भी अपने लिए अर्निंग वगैरह करती हूँ तो कब मुझे कौन सा काम कब कैसे एडजस्ट करना है चीजें देखनी पड़ती है। तो कभी टाइम टेबल से नहीं पढ़ा और कभी लेट नाइट उतना नहीं पढ़ा जितना टाइम मेरे को जैसे दिन में मिला या जब भी मिला मेरे को बस में मिला या कहीं भी जैसे मैं जाती थी तो ट्रेवलिंग भी मेरे को करना पड़ता था बस में मिला। खाली रास्ते पे चल रहे हैं तो एयरफोन लगा के सुन रहे हैं ऐसे मैंने हाँ GKGS अपना कंप्लीट किया। बस बाकी मैथ्स रीजनिंग वगैरह ही मैंने बैठ के किया। जहाँ जैसे जिस कोने में मेरे को समय मिला मैंने वहां से पढ़ाई की ऐसे टाइम टेबल से या एकदम रूम में बंद होके और उस टाइप से नहीं कर पाया। मुझे पता था ना कि बीच में अगर मेरे को कोई ऐसे काम आ जाते हैं क्योंकि सब काम अपन खुद ही को करना पड़ता है कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम कोई और कर देगा। तो बीच में कुछ भी आ जाता है तो फिर वो रूटीन अगर फॉलो नहीं होता आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है आपसे तो फिर एक डिमोटिवेट होते हैं कि यार मैं आज नहीं कर हाँ पाया हाँ ऐसा। तो मैंने वो चीजें बनाई ही नहीं मैंने मैंने सोचा कि जब जैसा जब टाइम मिलेगा तब जब मैं टाइम मिले करूंगी। तभी मतलब आपने हाँ टाइम का अपना सही इस्तेमाल किया। जी सर मैक्सिमम टाइम मैंने बस में जब मैं ट्रेवलिंग करती थी तो उसमें GKGS ज्यादा उसमें कंप्लीट अच्छा किया अच्छा हाँ उस टाइम को तो आपने भी अपना ये। जी इस्तेमाल कर लिया। सर और आप अभी के मतलब जो बंदे अभी अपने साथ जुड़े हुए हैं तो उन लोग के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, वो लोग कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन में तो सबसे पहले अगर देखें तो हम पहले तो ये हम लोग का होना चाहिए कि कौन सी जॉब हमें जाना है किस जॉब में जाना है मतलब ना। अपना टारगेट सबसे और पहले फिक्स दूसरी कर ले। हाँ हाँ टारगेट एकदम फिक्स कर ले पर टारगेट में ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे इसी जॉब में जाना है मतलब एक के पीछे मत भागो क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है ना इतनी रीजन से आप उसमें रह सकते हो। बस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको देश सेवा करनी है तो किसी एक एक गवर्नमेंट जॉब में जाओ लाइक आर्मी पुलिस वगैरह ऐसा। और उसके बाद में पहले उसका सिलेबस देखो कि सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग अपना बेसिक पहले कंप्लीट करो और जैसे मिले जिस कंडीशन में पढ़ सको उस कंडीशन में पढ़ो। और जरूरी नहीं होता कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वही जॉब पा लेते हैं ऐसा जरूरी नहीं होता है। जिनके पास कुछ नहीं होता वो भी जॉब ले लेते हैं अगर अगर ढंग से मेहनत करी जाए हाँ तो है ना। डिपेंड करता है आप कितना अपना पोटेंशियल लगाते हैं, कितना फोकस करते हैं अच्छे जी से। जी और सर हाँ मैं मैंने भी कई ये लोगों को क्लास में देखा है। रेगुलर बताता हूँ कि आप मतलब एक टारगेट आप सिलेक्ट नहीं करो, अगर मान लो किसी बाय चांस आप उसमें नहीं नहीं हो पाया तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जी तो साइड से भी एक लेके ऑप्शन ही चलना नहीं है। रहता है। हाँ जी जी सर वही कि अब कोशिश उस दिशा में आप कर रहे हो लेकिन आप एक जॉब के पीछे मत उसमें कई आपको ब्रांच मिल जाएगी तो आप किसी में भी जा सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कह रही थी कि एनी हाउ कंडीशन बस हार्ड वर्क करिए। और मैंने ये देखा है कि मेरे साथ वाले जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे पढ़ने के लिए भी बहुत टाइम मिलता था और सारी चीजें करते हुए पढ़ रहे थे वो अभी पढ़ ही रहे हैं। हाँ तो एक्चुअली बात ये होती और नहीं कि जैसे मेरा कि किसी को भी, हम हो आप हो, किसी को भी जब सारी सुविधा मिलती है ना तो आदमी मतलब आराम और ढूंढने लगता है ना और मौज मस्ती में। हाँ कंफर्ट जोन में आ जाता है हाँ वो वही सर बात वही कंफर्ट जोन में बात। आ जाता है। तो कंफर्ट जोन से निकलना भी अगर हमारे पास सामने परेशानियां आ रही है तो समझ लो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हमारे सामने कोई परेशानी नहीं है तो फिर ये समझ लो कि हमारा डायरेक्शन सही नहीं है अभी क्योंकि परेशानियां आना भी बहुत जरूरी है वही हमें सिखाती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो ठीक है, आपको फिर से दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन होने के लिए, मेरिट बनने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और फिर आपका, आप तो कांटेक्ट में हो ही, आपका फिर से जब आप ज्वाइनिंग जाना तो बता देना वैसे एक बार, तब मैं आपको बता दूंगा, एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट वीडियो दे देना बना के। जी और फिर जब आप फाइनल पासिंग आउट परेड कर लोगे तो फिर से यूनिफॉर्म में एक अच्छा सा इंटरव्यू लेके हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है फिर, ठीक जी है सर फिर, थैंक यू ओके सो मच। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर।